आजम की बहन को घर से थाने लाकर पूछताछ का मामला। जोहर ट्रस्ट मामले में निकहत अफलाक ली गई जानकारी। आजम की पत्नी ने पुलिस कार्रवाई को बताया मनमानी। पुलिस मनमानी पर उतरी, घर में घुसकर महिलाओं से बदतमीजी। आजम खान की 70 वर्षीय बड़ी बहन और रिटायर्ड शिक्षिका निकहत अफलाक को पुलिस उनके रामपुर स्थित घर से उठाकर थाने ले गई, जहां उनसे 3 घंटे तक जौहर ट्रस्ट को लेकर पूछताछ की गई। अब ये मामला गर्मा गया है क्योंकि आजम खान की पत्नी और राज्यसभा सांसद तजीन फातिमा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तजीन ने कहा है कि पुलिस मनमानी कर रही है, घरों में घुसकर बुजुर्ग महिलाओं के साथ ज्यादती कर रही है। तजीन ने कहा ये अत्याचार है और पुलिस हमें सड़क पर उतरकर सत्याग्रह करने के लिए मजबूर कर रही है। हुआ है, मैंने ये बताया ना आपको अभी कि आजम साहब की जो सबसे बड़ी बहन है उनको घर से जानमाज से घसीटते हुए ले गए हैं। वो फ्राइडे था, नमाज पढ़ रही थी उसको। कितने लोग आए थे ना? कितनी गाड़ियाँ पुलिस थी? तकरीबन 2 गाड़ियाँ पुलिस होगी, मुझे सही तो नहीं मालूम है। उसमें 1-2 लेडी कांस्टेबल थी और बाकी जितने भी कांस्टेबल थे वो सभी घर के अंदर घुसे। वो अकेली रहती हैं, इसलिए कम से कम गेट के बाहर से इन्फॉर्म करना चाहिए था। एक बात, उनके खिलाफ कोई आपराधिक कोई मुकदमा खिलाफ ना मुकदमा है ना कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो तो पॉलिटिक्स में भी नहीं है। मैम क्या किस जॉब में थी वो, रिटायरमेंट के किस जॉब से? एक पढ़ी लिखी महिला है, टीचर रह चुकी हैं, समाज में वो एक जाहिर है बहुत प्रतिष्ठित है। उम्र रही होगी उनकी तकरीबन 74। आजम खान से बड़ी लेकर के उठा के ले के गए, या जौहर ट्रस्ट पे जिस तरह से एक के बाद आरोप लग रहे हैं, तो जौहर ट्रस्ट की मेंबर है इसलिए उनको लेकर के गए? नहीं, जौहर ट्रस्ट की मेंबर तो मैं भी हूँ और मैं यूनिवर्सिटी रोज़ जा रही हूँ, क्योंकि वाइस चांसलर नहीं थे तो थाना अजीम नगर के SO शायद 2-3 दिन पहले आए थे रात के 8 बजे और चपरासी को धमका कर चले गए कि वाइस चांसलर कहाँ है। उस वक्त कहाँ कोई वाइस चांसलर नहीं था। रात को आप क्यों गए थे? रात को दूसरे दिन मैं गई, मैं अपने ऑफिस में बैठी, मैंने कहलवाया कि मैं बैठी हूँ, आपको जो कुछ पूछना है जो मालूमात करनी है आकर पूछिए, कोई नहीं आया। सांसद जी आज तक नहीं हूँ साथ को मेरे खिलाफ आज कल तो ये हो रहा है कि पुलिस प्रशासन SP जैसे कि नौकरियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से निमंत्रण आमंत्रण सब दे रहे हैं कि आओ आओ, कौन हो जो आजम साहब के खिलाफ FIR लिखा। 24 घंटे में बहन भाई दोनों खिलाफ कार्रवाई, मैंने कहा ना कि बहन भाई हर एक के खिलाफ, मैंने कहा लेकिन उन लोगों का जो एक तरह से प्लान है इस परिवार को अपमानित करने का वो पूरा नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। कुछ महिलाएं SP के आवास का घेराव किए हुए हैं अभी। हाँ जी, तो वो आपसे मिली थी पहले या? हाँ जी मिली थी। अच्छा, अच्छा। मिली थी और मैं ही 1-2 दिन में पूरा या तो जेल भरो आंदोलन होगा या सत्याग्रह जो भी है, हमें इस बात के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हम सबको। वो जो बहन को पुलिस लेके गई है वो उनका कोई पॉलिटिक्स में मतलब नहीं? नहीं नहीं, उनका किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। पुलिस के लोग आए उठा के ले गए? हाँ, उठा के ले गए। और अगर जौहर यूनिवर्सिटी जौहर ट्रस्ट के मेंबर होने की हैसियत से उन्हें ले जाना था तो ये तरीका नहीं था कि एक औरत को आप धक्के मारते हुए घर से लेकर जाएं, ये तरीका नहीं था। आप यूनिवर्सिटी, हाँ जी, आप यूनिवर्सिटी जाते वहाँ से, या आप बुलवाते किसी से भी कि मुझे आपसे कुछ पूछना है और पूछा जाता। पुलिस की ये कार्यशैली नहीं है कि बगैर किसी सर्च वारंट के बगैर किसी बात को आप जानमाज से पकड़ कर एक औरत को धक्के देते हुए लेकर जाएं। अब इन सब चीज़ों को लेकर सत्याग्रह बड़ा आंदोलन करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, सत्याग्रह करेंगे या बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक, ओके, बढ़िया। तो हमें भी नहीं मालूम है, आप लोग इसीलिए मैंने आपको बुलाया है कि कम से कम आप लोग जुल्म के खिलाफ हमारा साथ दें। हम जिस तरह के माहौल में आतंक के जी रहे हैं, पुलिस और प्रशासन ने अभी जितनी जातियों की चरम सीमा है वो पार की है, कर दी है। अभी तकरीबन 1 घंटे पहले जो आजम साहब की सबसे बड़ी बहन है जो कि बीमार रहती हैं, हार्ट अटैक उन्हें हो चुका है और नमाज पढ़ रही थी, आज फ्राइडे है, नमाज पढ़ रही थी, नमाज से पकड़ कर घसीटते हुए उन्हें बगैर बुरके के ले गए हैं। क्या ये उचित है एक लोकतांत्रिक देश में? किस तरह से न कोई वारंट न कोई बातचीत, अकेली रहती हैं, अकेली महिला, उनके घर में घुसे जानमाज से उन्हें घसीटते हुए लेकर गए हैं और ये भी नहीं पता है कि कहाँ ले गए हैं किधर ले गए हैं। क्या यही शरीफाना तरीका है पुलिस का? पुलिस की कार्य प्रणाली यही है कि किसी मतलब किसी औरत को जो कि अकेली रहती है उसे घर से घसीट कर इस तरह से ले जाए? अगर कुछ पूछना है तो किसी से कहलवा देते, बाहर गेट से कह देते कि हमें कुछ पूछना है, हमें कुछ पूछताछ करनी है। अच्छा, क्या ये आजम खान की सगी?
तो सगी बड़े आजम साहब से बड़े भाई से भी बड़ी बहन है। क्या नाम है? अच्छा, जो जौहर ट्रस्ट है निगहत अफलाक, क्या ये जौहर ट्रस्ट जो है, क्या ये जौहर ट्रस्ट की मेंबर है या कौन है? जी हाँ, जौहर ट्रस्ट की मेंबर है। तो जौहर ट्रस्ट की मेंबर तो मैं भी हूँ, जौहर ट्रस्ट के मेंबर तो बड़े भाई शरीफ खान भी हैं, जौहर ट्रस्ट के तो 7 मेंबर्स हैं जी। तो ये जौहर ट्रस्ट की मेंबर है, ये जो लेके गए जौहर ट्रस्ट की मेंबर है। क्यों लेके गए पुलिस इनको, क्यों लेके गई पुलिस? ने बताया ही तो नहीं अब तक। जितने लोग घरों से दबिश कर करके उठाए हैं, किसी को कपड़े तक पहनने का मौका नहीं दिया है और घर से घसीटती हुई घर से ले गई। क्या आजम खान साहब पे जितने मामले, पुलिस और प्रशासन सड़कों पे आने के लिए मजबूर, क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे हैं कि आप जो कहते हैं या जो लिख कर देते हैं उस पर कोई नहीं। हमने किसी को लिख कर नहीं दिया, हमें किसी से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, इसलिए हमने किसी को कुछ लिख कर नहीं दिया और हम किसी से भी इंसाफ की भीख मांगने किसी से नहीं जा रहे। हमने कहा ना कि अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम सड़कों पर उतरे और हम जन आंदोलन करें या सत्याग्रह करें। बहुत जल्द आप जन आंदोलन या सत्याग्रह कुछ करने वाले हैं? हाँ जी, अगर पुलिस की कार्यशैली कार्यप्रणाली यही रही कि ये घरों के अंदर घुस घुस कर औरतों को घसीटेंगे तो जाहिर है औरतों का ये अपमान तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये इतना तो यही है, पुलिस 2 दिन से मेरी डेरी पर जा रही है। ये यहाँ यतीम खाने वालों ने जो शायद रिपोर्ट कराई है उसमें यह है कि उनकी भैंसें चोरी हो गई थी। एक चीज़ मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये 2016 में ही सब कुछ हुआ था और पुलिस मान लीजिए कि आजम साहब के दबाव में रिपोर्ट नहीं लिख रही थी तो क्या कोर्ट बंद हो गए थे? ये लोग अदालतों में क्यों नहीं गए? अदालतों से इन्होंने क्यों नहीं इंसाफ मांगा? अदालत गए होते। अब तो पुलिस हमें अपमानित करने के लिए डेरी पर आ रही है। डेरी जो है वो मैंने कामधेनु योजना के अंतर्गत लोन पर ली थी। इस बारे में भी मैं अभी आप लोगों को लाती हूँ, मैं लाई नहीं हूँ, मेरे पास सब रसीदें हैं, लोन का पूरा विवरण है। लेकिन पुलिस को अगर चाहिए तो वो स्टेट बैंक की कृषि जो शाखा है एग्रीकल्चर सिविल लाइन्स में है वहाँ जाए, वहाँ मेरी पूरी फाइल मौजूद है, वहाँ जाकर देखे कि भैंसें कहाँ से खरीदी गई हैं और किस तरह। पुलिस जा रही है भैंसों को देखने? हाँ जी, पुलिस जा रही है, कल भी गई थी, आज भी गई है। वहाँ जो काम करने वाले हैं उनसे पूछताछ की है। तो मैं आप लोगों के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि मैंने कामधेनु योजना के अंतर्गत लोन लिया था और वो उस लोन का पूरी जो डिटेल है फाइल बनी हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो कृषि एग्रीकल्चर की जो ब्रांच है वहाँ। पुलिस को जाए वहाँ और वहाँ जाकर सारी पूछताछ करें कि ये डेयरी कैसे आई, यहाँ की भैंसें कैसे आई। उन्होंने ये सवाल किया, बड़ा घटिया सवाल है कि माल कहाँ से आता है। आप वो डेयरी मेरे नाम पर है, एक एमपी की डेयरी पर आप ये पूछ रहे हैं माल कहाँ से आता है? क्या हम नहीं जानते ये थानों में कितना पैसा बंधा रहता है और थानों में कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ जाता है? और आप एक एमपी की डेयरी पर ही सवाल पूछ रहे हैं कि माल कहाँ से आता है? मैं तो नहीं थी, मेरे यहाँ डेयरी पर जो लोग काम करते हैं वो लोग थे। तो पुलिस के अधिकारी जा रहे हैं भैंसों को देखने के लिए? बराबर, कल भी गए थे, आज भी गए थे, वहाँ से फोटो वगैरह सब खींच कर लाए हैं। इस तरह से क्या अपमानित करने से किसी का अपमान नहीं होता? देखिए, अपमान जब होता है जब खुदा चाहे तब।